मधुबनी जिले के जयनगर थाना पुलिस ने अपराध की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में DSP विपल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पेट्रोलिंग को तेज कर दिया गया है। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के पटना गद्दी चौक के समीप यूटाइप सड़क पर कुछ अपराधियों के द्वारा आने जाने वाले आम लोगों व रेल यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से अपराधियों द्वारा छीना झपटी का काम किया जा रहा है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए थाना अध्यक्ष अनूप कुमार के नेतृत्व में SI मुकेश कुमार, ASI रामजी सिंह व जसीम अख्तर एवं पैंथर टीम महमूद आलम, अशोक कुमार सिंह एवं रितेश कुमार के सहयोग से सोमवार को लगाया गया। इसी क्रम में कुछ अपराधियों द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। DSP ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 ब्राह्मण टोला निवासी विवेक कुमार चौधरी एवं भगवती स्थान निवासी पुरुषोत्तम राम उर्फ बिट्टू बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल के साथ 18 लीटर नेपाली देसी शराब को बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। छापामारी गश्ती और संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा, और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है हर छक्के पर जो है पुलिस काम कर रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिलती है कि पटना गद्दी यू टर्न पर जो है ट्रेन से उतरने वाले और राहगीरों से जो है कुछ अपराधी लोग जो है छीना झपटी का काम करते हैं। इसी के सत्यापन के लिए कल शाम में जो है टीम लगा दिया गया था वहाँ पर, और जो है टीम की कार्रवाई के द्वारा जो है दो अपराधियों को पकड़ा गया जो कि फिर घटना को अंजाम देने के लिए वहां तैनात थे। इनमें जो है एक विवेक कुमार चौधरी, पिता आलोक कुमार चौधरी ब्राह्मण टोल का रहने वाला, और दूसरा है पुरुषोत्तम कुमार उर्फ बिट्टू कुमार, ये जयनगर भगवती स्थान वार्ड नंबर 14 का रहने वाला है। इन दोनों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इनके पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, गौरव सोफी नेपाली देसी शराब 18 लीटर और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अपराधी के इतिहास संभाला जा रहा है और इनके अन्य सहयोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कोई अप्रिय घटना को तत्काल प्रभाव से इसको जो है अंजाम देने से रोका गया और इस पर कार्रवाई की गई।